अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब? मेरा नाम है अब्रार और आप देख रहे हैं टेक्निकल अब्रार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रोम लेकर आया हूँ जिसका नाम है MIUI MS 8.10.11, जो बेस्ड है MIUI 10 और ओरियो पे। जी हाँ दोस्तों, इसका रिव्यू मैंने पहले किया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक और बार रिव्यू कर दे इस रोम का, इसलिए मैं इसलिए आपके लिए रोम लेकर आया हूँ। तो इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं? तो सबसे पहला फीचर आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपके फीचर्स दिखते हैं कि सिर्फ स्नैपड्रैगन 636 है, बैटरी कैपेसिटी 4000 mAh, 12+5 MP, 5.99 इंच रेवोल्यूशन है, 2160x1080p, रैम 4GB। आपको यहाँ पे फीचर्स दिखते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रेस फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर का है, अक्टूबर का इसमें नहीं है। फिर आपको एक और फीचर मिलता है जिसका नाम है फुल स्क्रीन डिस्प्ले। मैं बटन्स ले लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं बटन्स आने का। तो दोस्तों, आपको एक फीचर यहाँ पे डिस्प्ले में फुल स्क्रीन मोड से मिलता है, जो आप अगर डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो आपको दोनों दिखेंगे, नोटिफिकेशन बार और नेविगेशन बार। लेकिन अगर आप ऑन कर देते तो आपको दो यहाँ पे ऊपर से नेविगेशन बार नोटिफिकेशन पैनल हट जाएगा, आपको दो बार ऐसे स्वाइप करके लाना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑफ कर देते तो दोनों ऐसे रहेंगे, लेकिन हैंड नेविगेशन कर देते तो आपको नेविगेशन को स्वाइप अप करके लाना पड़ेगा। मैं भी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। और अपने ये फीचर आपको एक एक्स्ट्रा मिलता है इस रूम में। फिर आपको फिंगरप्रिंट और फेस डेटा मिल जा रहा है। फेस डेटा तो अमेजिंग है, मैंने कई बार टाइम देखने के लिए ओपन किया लेकिन फेस डेटा था, इसलिए दोस्तों बहुत ही एक्यूरेट था, फास्ट खुल गया, स्क्रीन मुझे दिखी भी नहीं, इतना फास्ट था। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको प्ले स्टोर प्री इंस्टॉल मिलता है और आपको कोई भी ज़्यादा फीचर नहीं मिलते, बाकी सब वही के वही है, सारे के सारे एज इट इज़। नोटिफिकेशन है, स्टेटस बार में अगर आप LTE दिखाएं, 4G बताना चाहते हैं तो आप एक बार इसे इनेबल करके आप अपने फ़ोन को रिबूट कर ले। MIUI लैब मिल जाता है, एडिशनल सेटिंग में चलते तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो एक अच्छी जो कि एक अच्छी बात है। आपको यहाँ पे भी आपको कोई आपको वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट सब कुछ काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर हम बात करें दोस्तों कि आपको इसमें गूगल असिस्टेंट का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। बस यही था कुछ फीचर इस रोम के बारे में, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ अबाउट रोम में, तो यहाँ पे आप MIUI MS देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, चाइनीज़ तो नहीं है लिखा हुआ है। तो दोस्तों, एक ये आपका अगर इंस्टॉल करना है तो आपको एक रूसी फाइल डाउनलोड करनी है, जिसके लिए मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप उसे फ्लैश कर लीजिए TWRP के थ्रू। आप वेंडर को फ्लैश मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर हम कैमरा की बात कर लेते हैं। तो कैमरा में फोन आई AI मोड मिलता है, लेकिन जी हाँ दोस्तों, आपको क्या 4K रिकॉर्डिंग मिलती है? जी हाँ, 4K रिकॉर्डिंग आपको 30 FPS पे मिलती है, और फुल HD 30 FPS और 60 FPS ऐसे दोनों पे मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। तो आपको VSD सारे ऑप्शन वही मिलते हैं आपको, तो अगर फ्लैश करना है तो आप इस रूम को फ्लैश कर सकते हैं, इसमें आपको एड्स नहीं दिखते, जो कि एक अच्छी बात है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।